ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैंने वीडियो लिया है, यहाँ पे सिंपल से मैं प्ले करके देखता हूँ। ये मेरा पार्ट है यहाँ पे, इस वीडियो को हम लोग लाइक देख लेते हैं कि लाइक फ्रंट लेवल कौन सा है। तो मुझे लगता है 12 फ्रेम मैंने यहाँ पे लिया यहाँ पे, और 12 नंबर फ्रेम को लेके मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, फोटोशॉप में लेके जाता हूँ, एक मास्क मैंने लिया उसे मैं एज ए पीएनजी सेव करके रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ पे सेव करके रख लेंगे, मास्क आप यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, ऐसे करके आप किसका फेस भी आप लगा के मैच कर सकते हो। ठीक है, ये पार्ट हम लोगों को करने के बाद हम लोग न्यूक में आते हैं। न्यूक में आने के बाद हमें यहाँ पे क्या लेना है, सिंपल सा मैं टैप प्रेस करूँगा यहाँ पे, टैप प्रेस करके मैंने यहाँ पे क्या किया, स्मार्ट वेक्टर लेते हैं, स्मार्ट वेक्टर ले लिया। ठीक है, स्मार्ट वेक्टर आपको यहाँ पर ले तो लेकिन देखेगा नहीं, ये देखने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखो आरजीबी दिख रहा है, यहाँ पे स्मार्ट वेक्टर पर क्लिक करना होगा, लेफ्ट क्लिक करना आप, यहाँ पे विजुअल होगा, आप इसे प्ले करके देखो ऐसा कुछ दिखेगा क्या। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा भाई स्मार्ट वेक्टर की इन्फॉर्मेशन क्या है कैसा है। इसको बेटर करने के लिए डबल क्लिक करो, यहाँ पे वेक्टर डिटेल 0.3 है, आपको यहाँ पे 1 करना है, 1 करके आप यहाँ पे देखोगे लाइक कैसे आप चीज़ को मैनेज कर सकते हो। तो देन ये देखो ये आपका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन विजुअल होगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमने कर दिया। अभी इसके तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन आता है राइट का, एक्सपोर्ट राइट, ये नॉर्मल राइट नहीं है, एक्सपोर्ट सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन राइट करने के लिए। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे टैब आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, राइट पे गए, डबल क्लिक किया आपने यहाँ पे। अभी जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक फोल्डर यहाँ पे मैं यहाँ पे चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने गर्ल फेस GIRL गर्ल फेस वेक्टर, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया एड्रेस यहाँ से। अब मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करूँगा, यहाँ पे फाइल पे गए, कंट्रोल वी किया मैंने यहाँ पे, ठीक है, अंदर गए, गर्ल फेस वी यहाँ पे गए। ठीक है, अभी आप यहाँ पे डाल दो GIRL गर्ल PCTO और वेक्टर, ठीक है, देन आप यहाँ पे SSS.exr आप यहाँ पे सीक्वेंस है, सीक्वेंस रखना यहाँ पे, सेव कर दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रेंडर पे आप यहाँ पे ध्यान रखो लिमिट कितनी है, मेरे पास फ्रेम कितने हैं, 24 फ्रेम है, तो मैंने यहाँ पे 24 फ्रेम कर दिया यहाँ पे। ठीक है, रेंडर कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, ये एक्सपोर्ट हो जाएगा आपका। तो प्रॉपर ये जो पार्ट है ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, इसका हमारे पास बहुत ही लाइक मेजर यूज़ होगा। तो हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करके क्रॉस चेक कर लेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे आया कि नहीं आया, तो देन हमारे से फोल्डर है, देखो यहाँ पे आ चुका है क्या, प्रॉपर अभी चल ही रहा है, ये देखो हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे एक्सपोर्ट हुआ है यहाँ पे। अभी इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल सी कर दिया एड्रेस को, ठीक है, डन हो गया, यहाँ पे गए ये पार्ट। ठीक है, देन यहाँ से मैंने क्या किया, आर प्रेस किया और मैंने यहाँ पे गर्ल यहाँ पे देखा ना, इसको मैंने ओपन कर लिया। अभी ये चीज़ आप यहाँ पे प्ले करके देख सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करो, 1 क्लिक करो आप यहाँ पे, देखो ये मैंने रेंडर निकालता, तो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ गया। तो ये आपका फर्स्ट लेवल क्लियर हो गया, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, व्यूअर को मुझे अभी यहाँ पे जो है, अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे आर्ट प्रेस करता हूँ और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मास्क ले लिया, जो मैंने मास्क ले रखा था यहाँ पे। ठीक है, तो मास्क यहाँ पे लेते हैं, मास्क लिया मैंने यहाँ पे, मास्क को लेने के बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये मास्क को लिया मैंने, इसमें यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल टैप प्रेस करता हूँ यहाँ पे, वेक्टर डिस्टॉर्ट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, एंड देन वेक्टर डिस्टॉर्ट लेने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि लाइक मेरे पास यहाँ पे जो सोर्स है वो यहाँ पे स्मार्ट वेक्टर आपका, ठीक है, यहाँ पे देखा सोर्स यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट आपका यहाँ पे देखेगा। ओके, अभी यहाँ से मैं प्ले करके देखूँ, ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट वेक्टर है, यहाँ पर आरजीबी करना, जब भी इमेज कॉल करेंगे डबल क्लिक करना है यहाँ पे प्रीमल्ट, ठीक है, ऑटो अल्फा कर लेना आप यहाँ पे, देन एक बार प्ले करके देखो, देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये अभी एनिमेटेड हो गया उसके अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पे क्या करना है, जस्ट हमने विक्टर रिस्टॉर्ट लिया, डबल क्लिक करना है यहाँ पे, फ्रेम होता है रेफरेंस फ्रेम, मैंने रेफरेंस फ्रेम कौन सा लिया है, 12, तो 12 करेंगे ताकि वो चीज़ और एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे दिखेगी। ये देखो ये इसके साथ एनिमेटेड हो गया, जबकि मेरे पास ये स्टिल है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको नोट को मैंने यहाँ पे लिया, ये पार्ट मैंने यहाँ से कुछ यहाँ पे सेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है, कि मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे ये पार्ट मैंने कुछ स्टेप से दिखाया यहाँ पे। ओके, ये पार्ट मैंने यहाँ पे रखा। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, वो जो वीडियो है इस वीडियो को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, आप उसे देख भी ले सकते हो, मैं जस्ट कॉपी करके रखा यहाँ पे। ठीक है, और देन मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, सिंपल इसको सेलेक्ट कर दिया, एम्प्रेस कर दिया, मर्ज यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे मर्ज में जाके देखेंगे मेरे पास मर्ज कहाँ जा रहा है, मर्ज में मुझे बैकग्राउंड इधर दिखिए क्या, बैकग्राउंड मेरे पास ये है, ये फॉरग्राउंड है यहाँ पे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखो, तो अगर आप यहाँ पे विजुअल करोगे तो यहाँ पे आपको चीज़ देखेंगे कि लाइक ये प्रॉपर चीज़ आपके फेस के अकॉर्डिंग मैनेज होगा। तो आप यहाँ पे एनिमेशन दिखा सकते हो कि आप ऐसे कुछ फेस पे
कोई भी मास्क या किसी का फेस हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करके मैनेज कर सकते हैं।